हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारा मेजरमेंट वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इसको डिस्कस करेंगे आज हम इसकी वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिली बॉट 3 जग्स ऑफ ऑरेंज जूस फॉर अ पार्टी। ईच जग कंटेन्स 2.5 लीटर्स ऑफ जूस। दैट मीन्स हर एक जग में 2.5 लीटर जूस आता है। दैट मीन्स 2.5 लीटर जूस आता है एक जग में। ऐसे हमारे पास कितने जग है? 3 जग्स है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस डज लिली हैव इन टोटल। दैट मीन्स हमें ये बताना है कि लिली के पास जो 3 जग्स हैं, उनमें टोटल कितना जूस है। एक जग का हमें दिया हुआ है 2.5 लीटर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टोटल लीटर ऑफ जूस, नंबर ऑफ जग्स मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ जूस पर जग। दैट मीन्स एक जग में कितना हमारा आता है जूस और कितने आपके पास टोटल जग्स हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 2.5। अगर क्वेश्चन में हमसे कहा होता कि आपके पास 8 जग्स हैं और उसमें 2.5 लीटर जूस आता है एक जग में, तो हम क्या लिखते? 8 मल्टीप्लाई 2.5। दैट मीन्स जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ जग्स हैं, कैंस हैं, बॉटल्स हैं, नंबर लिखना है उसका और उस एक में कितना आता है हमारा, कितनी क्वांटिटी आती है वो लिखना है हमें। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 लीटर्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा लिली हैज 7.5 लीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस इन टोटल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sam runs around a rectangular track that is 200 meters long and 100 meters wide. तो एक rectangular track है जिस पे Sam running करता है और उसकी length दी हुई है 200 meter और width wide जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 meter. How far does he run if he completes one lap around the track? वन लैप से यहाँ मतलब है जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट करा है उसी पॉइंट पे वो वापस आएगा। एक हम मैं रेक्टेंगल आपको, ये रेक्टेंगुलर पाथ है, इस टाइप से आप इसको रेक्टेंगल मान के चलिए। तो ये हमें 200 मीटर दिया हुआ है और ये वाली लेंथ हमें 100 दी हुई है, ठीक है। तो इसके सामने वाले रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि लेंथ, आमने सामने की लेंथ सेम होती है और आमने सामने की जो ये विड्थ है ये सेम होती है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लिख दीजिए, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। अदरवाइज आप इन चारों को सिंपल प्लस कर दीजिए, 200 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 100, दोनों से ही आंसर हमारा सेम आएगा क्योंकि हमसे पूछा है कि पूरा टोटल वो कितना वन लैप में उसको कितनी डिस्टेंस पड़ेगी। अब इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, लेंथ है हमारी 200, विड्थ है 100, 200 पहले प्लस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 600। तो सैम रन 600 मीटर्स इफ ही कंप्लीट वन लैप अराउंड द ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क इज पेंटिंग ट्रीज इन हिज गार्डन। ही हैज 12 ट्रीज एंड ही वॉन्ट्स टू प्लांट देम इन 3 रोज। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, 12, और उनको कितनी रोज में उसको प्लांट करना है, 3 रोज में। If each row has the same number of trees, how many trees will be in each row? तो ये division का question आ जाता है हमारे पास कि 12 trees total है और उनको हमें 3 rows में divide करना है, तो equally हर एक row में कितने trees आएंगे। तो number of trees per row क्या हो जाएगा, formula लगाएंगे, total number of trees divide by number of rows। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है नंबर ऑफ कॉलम्स का आ सकता है। तो नंबर ऑफ ट्रीज पर कॉलम हो जाएगा नंबर, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स ही चेंज होगा, बाकी फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, टोटल नंबर हमारे पास 12 है और नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है, इसको डिवाइड करने पर आएगा 4। तो हर एक रो में कितने ट्रीज प्लांट करेंगे, 4 ट्रीज प्लांट करेंगे। नेक्स्ट
A fruit basket contains 6 apples, 4 bananas and 10 oranges. एक फ्रूट बास्केट में आपके पास ये 3 टाइप्स के फ्रूट हैं. Each apple weight 150 ग्राम. Each apple से मतलब है एक एप्पल का वेट कितना है 150 ग्राम. और हमारे पास ऐसे टोटल 6 apples हैं. Each banana weight 120 ग्राम, यानी एक बनाना का वेट 120 ग्राम है. इस तरह से हमारे पास 4 bananas हैं, तो हम 4 bananas का वेट निकालेंगे, तो 4 multiply 120 करेंगे. एंड ईच ऑरेंज वेट 200 grams, और इस तरह से हमारे पास 10 oranges हैं. तो सबका पहले टोटल अलग अलग वेट निकाल लेंगे. वॉट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट बास्केट इन ग्राम, टोटल वेट पूछा है. सबसे पहले हम एप्पल की बात करेंगे, तो 6 apples हैं और एक का हमारे पास वेट 150 ग्राम है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा हमारे पास एप्पल्स का 900 ग्राम. टोटल वेट ऑफ बनानास 4 bananas है, हर एक बनाना का वेट 120 ग्राम है, तो 4 multiply 120 करा है, जब इनकी मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आया है 480 ग्राम. टोटल वेट ऑफ ऑरेंजेस 10 oranges हैं और हर एक ऑरेंज का वेट 200 ग्राम है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 200 ग्राम. अब टोटल फ्रूट बास्केट में हमारे पास कितना वेट होगा, हम इन तीनों को प्लस कर देंगे 3380 ग्राम. तो हमने आंसर पूछ ली, हमसे क्वेश्चन में ही कहा है कि व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट बास्केट इन ग्राम्स, ऐसा नहीं कहा है कि इसको आप किलोग्राम में चेंज करिए, ग्राम में ही हमसे पूछा. अगर किलोग्राम में पूछा होता तो हम इसको चेंज करते. Adrian has to take 2 spoons of multivitamin syrup each day. एक बॉय है, उसको डेली 2 spoon multivitamin का सिरप लेना होता है. If capacity of spoon is 15 ml, यानी एक स्पून जो है उसकी कैपेसिटी 15 ml है, ऐसी उसको 2 spoon डेली लेनी होती है. What quantity of syrup will be taken by him in a week? एक वीक में वो कितना सिरप पिएगा ये हमें बताना है. तो आपको यहाँ पे हमें दो चीज ध्यान रखनी है. पहली ये कि जो हमारे पास स्पून की कैपेसिटी है वो 15 ml है, ऐसी वो 2 spoon लेता है. तो सबसे पहले एक दिन में देख लेते हैं वो कितना ml मल्टीविटामिन सिरप लेता है. तो डेली इनटेक हो जाएगा 2 multiply by 15. अब हमें वीकली देखना है, तो 7 multiply by 30, तो आंसर आ जाएगा हमारा 210 ml milliliter. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन परचेज 3 meter 30 cm ऑफ क्लोथ एंड स्टिच अ शर्ट यूजिंग 2 meter 48 cm. यानी एक पर्सन ने 3 meter 30 cm का कपड़ा खरीदा है और उसमें से सिर्फ 2 meter 48 cm उसने यूज करा है शर्ट बनाने के लिए. अब हमें बताना है कि कितना कपड़ा बचता है, कितना उसके पास जो कपड़ा है इसमें से बचा है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक ही यूनिट में चेंज कर लेंगे. 3 meter 30 cm को हम क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं यहाँ पर. तो 3 meter 30 cm को जब आप चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो 330 cm आएगा. उसी तरह से जो हमारा कपड़ा शर्ट के लिए यूज हुआ है वो यूज हुआ है 248 cm. दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा कि इतना कपड़ा हमारा बचा है, 82 cm ऑफ क्लोथ इज लेफ्ट. Mr. Smith wants to build a fence around his rectangular garden which is 30 meter long and 20 meters wide. How many meter of fencing does he need to buy to enclose the entire garden? तो सेम वही क्वेश्चन है हमारे पास कि एक रेक्टेंगल गार्डन है और उसमें उनको फेंसिंग लगानी है, तो कितने जरूरत होगी. तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला सिंपल यूज करिए, वैल्यूज पुट करिए. तो मिस्टर स्मिथ नीड टू बाय 100 मीटर ऑफ फेंसिंग टू एनक्लोज द एंटायर गार्डन. अ बुकशेल्फ इज 3 meter लॉन्ग इफ ईच बुक इज 5 cm थिक, हाउ मेनी बुक्स कैन फिट ऑन द शेल्फ. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, दोनों यूनिट अलग अलग हैं, ये 3 meter है और ये 5 cm है. तो हम 3 meter को क्या लिख सकते हैं, 300 cm. तो 3 meter को हमने 300 cm लिख लिया है. अब अपना फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ बुक्स लेंथ ऑफ द बुक शेल्फ डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ ईच बुक.
300 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 5 दैट इज 60, अ टोटल ऑफ 60 बुक्स कैन फिट ऑन द शेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।